हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्निकल चैनल टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आप थ्री नोट्स देख रहे होंगे अपने पास अपने स्क्रीन पे। ये 50 रुपीज़ के वो नोट हैं जो जिनकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। ये नोट आपको देखने में बहुत कम मिलते होंगे मार्केट में, क्योंकि नए नोट आ चुके हैं। लेकिन तीनों नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीनों अलग अलग गवर्नर के हैं। ये है के आर पुरी, आर एन मल्होत्रा, बीमल जलान। ये तीनों नोट चलन में हैं, लेकिन चलते नहीं हैं अभी, दिखने को भी कम मिलते हैं आपको। सबसे खास बात यह है कि आप यूसी न्यूज़ पर अक्सर देखते होंगे कि यदि इस तरह का नोट आपके पास हैं तो आपको मिलेगा 2,34,000 रुपये, यदि आपने यूसी न्यूज़ पर देखा होगा तो। दोस्तों, बता दूं कि हाँ, पुराने नोट की वैल्यू होती है, लाखों में होती है। जिन जिन करेंसी जो करेंसी बहुत ओल्ड हैं, रेयर हैं, उनको आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। इनका ऑनलाइन ऑक्शन होता है, लोकल मार्केट है इसका। आप कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में इसको बेच सकते हैं और इसका बिजनेस होता है। लोग शौकीन हैं, नोट का कलेक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेयर नोट्स या कुछ खास फैंसी नोट्स का चलन है लोगों के पास खरीदने का, बेचने का। तो दोस्तों, ये बता दूं के आर पुरी का जो ये नोट है वो काफ़ी रेयर नोट है। ये 1975 to 1977, यानी 1975 से 1977 के बीच का ये नोट है। आप देख सकते हैं इसका कलर दोनों से अलग है। यहाँ पे हल्का ग्रीनिश है, आप देख सकते हैं इसके नोट पे हल्का ग्रीनिश है। ये नोट काफ़ी रेयर है। इसकी वैल्यू अगर बात करें स्पेशली, तो इस नोट की वैल्यू आपको 500 रुपीज़ से 1,000 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू मिल जाएगी। के आर पुरी की नोट है, काफ़ी रेयर है। 500 रुपीज़ से 1,000 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू है। दूसरा नोट पर आते हैं, आर एन मल्होत्रा। ये भी इससे थोड़ा सा न्यू बोलेंगे, क्योंकि ये 75 to 77 के बीच का है। ये 1985 से 1990 तक का ये नोट है। आर एन मल्होत्रा उस समय के गवर्नर थे। इनके नोट काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी शौक से लोग खरीदते हैं। 1 रुपीज़ का नोट हो या 50 रुपीज़ का नोट हो, जो ओल्ड वाले हैं, इनकी वैल्यू भी आपको 500 रुपीज़ तक मिल जाएगी मार्केट में, आर एन मल्होत्रा की। अब आते हैं बीमल जलान के नोट पर। इनकी वैल्यू थोड़ा सा कम है। इस नोट की वैल्यू आपको 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है इसकी कंडीशन कैसी है। ये देखिए, न्यू नोट है, इसकी वैल्यू आपको 500 रुपीज़ मिल जाएगी। 500 रुपीज़ आराम से कोई भी दे देगा इस करेंसी के लिए, क्योंकि ये करेंसी अब है नहीं है, बिल्कुल अनसर्कुलेटेड नोट है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है, और इसमें 13 लैंग्वेज लिखा हुआ है। सब पे सेम है, जो भी लिखावट है सेम है, खाली कलर का फ़र्क है, केवल खलक कलर का फ़र्क है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं बी लिखा हुआ है। वाटर मार्क में अब हम जाएं आपको लेकर, तो वाटर मार्क में इम्बलेम है, अशोक का पिलर है। इसमें गांधी जी कहीं नहीं है, आप देख सकते हैं ये नोट में गांधी जी नहीं है। पीछे हम आते हैं बैक साइड में, रिवर्स में, तो यहाँ पर पार्लियामेंट का आपका फोटोग्राफ्स है, और इसके भी वाटर मार्क इधर से आप अशोक का सिंबल को, अशोक का पिलर को देख सकते हैं। और बाकी खूबसूरत नोट है उस समय की डिजाइन, लेकिन ये नोट अब बंद कर दिए गए हैं। अब ये आरबीआई इसको नहीं छापती है, नहीं प्रिंट करती है। जो भी नोट ये बैंक में जाते हैं वो सीधे आरबीआई के पास चले जाते हैं, आरबीआई उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास इस तरह नोट है तो सच में आप करोड़पति लाखपति बन सकते हैं, यदि आपके पास इस भारी मात्रा में है। और ये जितने ओल्ड होंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए टेक इंडिया। इंजॉय करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलिए नहीं। सब्सक्राइब करके जाइए, फ्री है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।